अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है? ठीक ठाक है। वेलकम टू माय चैनल। आज हम आपको ट्राउज़र का बहुत ही खूबसूरत और आसान तरीके से डिज़ाइन बनाना सिखाएंगे। चलो तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। डिज़ाइन बनाने के लिए हमारे पास ये पेपर पट्टी है, जो चौड़ाई और लंबाई हम इसमें नुमाइश करेंगे। चौड़ाई लेनी है 4 इंच और लंबाई भी 4 इंच ही होगी। लंबाई और चौड़ाई सेम ही रखें तो इससे जो डिज़ाइन बनेगा वो बैलेंस में बनेगा, तिरछा नहीं होगा। एक्स्ट्रा जो पेपर पट्टी है वो कट करेंगे। ये 2 पैटर्न हमने बनाने हैं, ये 4 इंच लंबे और 4 इंच चौड़े। ये पैटर्न, ये 2 पैटर्न हमने तैयार कर लिए। अब इसके ऊपर हम डिज़ाइन ड्रॉ करेंगे, जिसके लिए हम पेपर पट्टी लेंगे जिसकी चौड़ाई भी सेम ही होगी, 2 इंच चौड़ी और 2 इंच लंबी। अब जो साइड चिपकती है उस तरफ रख के नहीं इसको ड्रॉ करना, ये कपड़े के ऊपर चिपकेगी, उसकी जो उल्ट साइड है उसके सेंटर में रखना है हमने इसको। स्क्वायर शेप है, सेंटर में रखेंगे, सेंटर में रख के इसके ऊपर लाइन ड्रॉ कर लेंगे। यानी कि 4 इंच का पैटर्न है हमारा, 2 इंच का जो है वो साइड पे गैप आएगा, जो 2 इंच की नॉर्मल नुमाइश होगी। ये देखिए स्क्वायर शेप बन गया। इसी तरह अब दूसरे के ऊपर भी कर लेंगे। ये दोनों पैटर्न के ऊपर हमारे जो स्क्वायर शेप हैं वो ड्रा हो चुके हैं। अब हमारी शलवार जो है वो ट्राउज़र जो हम बना रहे हैं वो सादा है, उसके साथ ये कंट्रास्ट में कमीज़ है। तो ये जो हमने पेपर पट्टी कट की है वो इसके ऊपर हम प्रेस रिबन से चिपकाएंगे। और प्रेस रिबन से इस कपड़े के ऊपर चिपकाएंगे तो याद रखें जिस ऊपर ये स्क्वायर शेप बनाया हुआ है वो वाली साइड ऊपर हो और दूसरी सादी वाली जो है वो नीचे हो। इसको प्रेस की मदद से कपड़े के ऊपर चिपका लेंगे। आप चाहें तो सादा पीस भी ले सकते हैं, जैसे इसके अंदर हाफ वाइट कलर है, हाफ वाइट कलर ब्लैक ट्राउज़र है उसके ऊपर गुजार, वो भी प्यारा लगेगा। लेकिन हम कमीज़ के साथ इसके कंट्रास्ट बना रहे तो कमीज़ का जो पीस है हम उसके ऊपर ही लगाएंगे, जो एक्स्ट्रा फैक्टर के वो कट कर लें। हाफ हाफ इंच का मार्जिन रख के कपड़े का कट पीस करना है, बिल्कुल साथ साथ नहीं करना। इसी तरह जो दूसरा पैटर्न है उसको भी इसी तरह सेम कपड़े के ऊपर चिपकाएंगे। ये पेपर पट्टी हमारी लग चुकी है कपड़े के ऊपर। अब हमने जो स्क्वायर शेप बनाई हुई है इसको हमने सेंटर मार्क करके कट करना है। इधर तक निशान लगाए हैं उधर तक कट करें, उससे ज़्यादा आगे ना जाएं। डिज़ाइन का जो भी डिज़ाइन रेडी होता है वो देखने में तो मुश्किल लगता है, लेकिन जब बनाने का तरीका देखें तो वो बिल्कुल आसान लगता है। जो न्यू सीखने वाले कमर है स्पेशली वो देखें तो उनको समझ नहीं आती एकदम से, तो जब बनता हुआ देखेंगे तो उनको पता चलेगा कितना ये आसान तरीका है। यह हमने अंदर से थोड़ा थोड़ा ना जो ट्राइंगल होंगे उनको भी कट कर लेना है, हाफ हाफ इंच तकरीबन पेपर पट्टी और जो कपड़े के साथ चिपका हुआ वो रह जाएगा। अब प्रेस की मदद से इसको फोल्ड कर लेना। गम है आपके पास तो वो भी लगाएं, गम जो न्यू कमर है स्पेशली सीखने वाले वो गम का इस्तेमाल करें, क्योंकि जिधर गम लग के प्रेस होता है कपड़ा उससे फिर दोबारा उठता नहीं है, तो सिलाई लगाने में आसानी होती है। ये आप चाहे तो दामन पर भी बना सकते हैं और बाजू पर भी डिज़ाइन बना सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप इसको ट्राउज़र पे ही सिर्फ बनाएं। जिस चीज़ के ऊपर बनाएंगे आप वो प्यारा ही लगेगा। स्क्वायर शेप अंदर से निकल आई है, अब जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो हम फोल्ड करेंगे, इसका फोल्ड करके प्रेस की मदद से उसको भी बिठाएंगे।
ये स्क्वायर शेप, एक बाहर से और एक अंदर से खाली डब्बा जो है तो बन जाएगा हमारा कुछ इस तरीके से। इसी तरीके से हम अब दूसरे पैटर्न को भी बनाएंगे। ये हमारे दो पैटर्न बन गए। अब हमने ट्राउज़र लेना है। ट्राउज़र रेडी किया हुआ हमने, पंच फोल्ड किए हुए हैं, ये तैयार है। अब इसको डबल फोल्ड करके इसका सेंटर मार्क करना है ट्राउज़र का। प्रेस की मदद से सेंटर मार्क करेंगे तो ये लाइन लग जाएगी इसके ऊपर। ये अब हम आपको इसके ऊपर स्टिच करके दिखाएंगे। अब ये ट्राउज़र लिया, ट्राउज़र की जो पजामे की नीचे फोल्ड किया उसकी सिलाई है उससे तकरीबन 1 इंच या हाफ ऊपर रख के लगाएंगे, बिल्कुल इधर से ही लगाएंगे। इसको तिरछा रखना है, जो सेंटर मार्क किया हुआ ट्राउज़र का एक जो नोक है स्क्वायर की उधर आए, एक ऊपर वाली साइड पर आए, इसके ऊपर हम सिलाई लगाएंगे। आप चाहें तो दरमियान में सेंटर मार्क करके रफ स्टिच लगा लें ताकि हिले नहीं। ये मैं भी ऐसे ही करूँगी। अब जो दूसरे वाला ट्रायंगल है वो भी साथ इसके रखेंगे, इस तरह की शेप में आएगा सेंटर में, एक ऊपर और एक नीचे, ये शेप आएगी। इसके ऊपर सिलाई आ जाए रफ स्टिचिंग ताकि जो हमने ट्रायंगल बनाए हुए हैं वो अपनी जगह से हिले नहीं। सेंटर मार्क हो गया। अब हम इसकी कोनों के ऊपर सिलाई लगाएंगे। आप चाहें तो ये जो स्क्वायर शेप है छोटे भी बना सकते हैं अपनी पसंद के हिसाब से, जिस तरह के आपको पसंद है। मैंने बड़े बनाए हैं, आप बाजू पे बनाए या दामन पे बनाए तो आप ये स्क्वायर शेप छोटे छोटे भी बना सकते हैं। इस तरीके से सिलाई लगाएंगे चारों साइड पे। एक हमारा ट्रायंगल जो है वो स्टिच हो चुका है। अब जो सेंटर वाली सिलाई है वो लगाएंगे इसी तरीके से ऊपर और इसी तरीके से नीचे। ये हमारी सिलाइयाँ लग चुकी हैं, बहुत ही यूनिक और प्यारा सा डिज़ाइन बना है। सही, अगर आप ये स्क्वायर शेप छोटे बनाए हैं तो तीन तीन का भी लगा सकते हैं। मैंने बड़े बनाए हैं तो सिर्फ दो ही लगाए हैं। अगर आप चाहें आपको पसंद हो तो इधर एक एक टसल भी लटका सकते हैं। टसल लगाएं या मोती लगाएं, लेकिन अगर आप घेरे पे बनाएंगे दामन पे या बाजू पे उसके ऊपर ज़्यादा खूबसूरती आएगी जो टसल लगाएंगे। तो बहुत ही खूबसूरत सा पैटर्न बने। ये सेंटर में आएगा, अब आप ट्राउज़र पहनेंगे। ज़रूर ट्राई करें, वीडियो लाइक पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। शुक्रिया।